सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सीन कुछ ऐसा हो चुका है, हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट, ऑल सेट, पैकिंग डन, नहा धो के हो चुके हैं रेडी। बस अभी चेकआउट करेंगे 5-10 मिनट्स में और उसके बाद जाएंगे हम लोग बाहर घूमने। वही अपना सीन। आज तो हम लोग मतलब वी आर करेंटली इन इटली, जैसा आपको पता ही है। तो उसके बाद देखते हैं, जा भी जाते हैं, जैसा भी होता है सब बताते रहेंगे। भाई मैंने आपको होटल तो मेरा दिखाया ही नहीं जिसमें हम रुके थे। ये इटली का होटल है, होटल क्रूज नाम है इसका। मैं आपको पूरा पीछे का व्यू दिखाता हूँ होटल का। होटल काफ़ी अच्छा था और हम लोग जितने भी अभी तक होटल्स में रुके उनमें से वन ऑफ द बेस्ट ये होटल था। मैं आपको पूरा होटल दिखाता हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। ये तो पीछे का है स्टार्टिंग का, ये हमारा, ये ऐसे पूरा यहाँ से रिसेप्शन एंड ऑल दैट, ये पूरा रिसेप्शन है। ठीक है, अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी यहाँ पता है सबसे ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड में ठंडक थी, यहाँ तो इतनी नहीं है। बाकी बाहर यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो फॉग है। कल बस से हम जब आ रहे थे तो थोड़ा सा हमें मतलब बारिश काफ़ी मिली, फॉग भी काफ़ी मिला था। और आपको ये पूरा बाहर का सीन दिख रहा होगा, ये पूरा बाहर का सीन है अपने। ये पूरी पीछे जो है ना, दिस इज़, ये पूरा होटल है। ये देखो होटल क्रूज़ लिखा रहा होगा इस पर, होटल क्रूज़ आपको दिख रहा होगा। भाई बाहर इतना सही मौसम हो रहा है ना, बट यहाँ इटली में क्या इतनी ठंड नहीं पड़ती ना, तो आपको ज़्यादा लेयर्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में माइनस में ही रहता है, और स्पेशली जब माउंट टिटलिस और ये यूंगफ्राउ आप जाओ तो वहाँ तो -9 -10 रहता ही है। तो ये सीन है। बाकी भाई इतना सही मौसम हो रहा है ना, इतना सही मौसम, आप पूरा पीछे का व्यू देखो भाई, आप इन्जॉय करो व्यू को, बहुत सही मौसम हो रहा है। ये पूरा है अपना होटल, अपना तो क्या मतलब, एक रात रुके थे हम। ये पूरा, और ये पूरा अपना, आज क्या स्काई एकदम क्लियर है, यूँ क्लियर नहीं रहता है स्काई। आपको मैं उधर जाके भी दिखाता हूँ पूरा अपना होटल। ये तो हो गया फ्रंट व्यू, अब मैं आपको उधर का बैक व्यू दिखाता हूँ आपको मैं जाके। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये व्लॉग। ये है हमारा पूरा, और पता है यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रीज हैं। ये देखिए ये पूरा व्लॉग, पूरे ये अपने ग्रीनरी, और ये है, और यहाँ पे देखो आप पूरा, भाई इतना सही लग रहा है ना, दिस इज़ ऑल फुल ग्रीनरी है यहाँ पे। काफ़ी बड़ा होटल है ये, तो बस हमने कल चेक इन कर लिया था, आज चेकआउट कर रहे हैं मॉर्निंग में। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 8 बज रही है अभी यहाँ के, वहाँ तो पता नहीं 12-12:30 हो रही होगी दोपहर के, ये सीन है। चलो फिर अभी हम एक बार जाते हैं, अभी हम लोग जाएंगे वेनिस, तो एक बार हम लोग पहुँचते हैं, फिर आपको जो भी होता है जैसा भी होता है दिखाता हूँ। आई होप आपको होटल अच्छा लगा होगा। भाई अभी का सीन कुछ ऐसा, हम लोग बीच में एक वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके थे, 15 मिनट्स का था, रुक गए और शॉपिंग भी बहुत सारी कर ली चॉकलेट्स की। ठीक है, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे ना, तो आप लोग भी सोचो कि 15 मिनट में इतनी शॉपिंग, गजब यार। चलो वो सब तो छोड़ो, अभी का सीन कुछ ऐसा हो चुका है, अभी बज रही है 11:30 और बस अब जाएंगे। आई थिंक और थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे वेनिस। ठीक है, वेनिस क्या का है? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, वेनिस का है प्लान, और उसके बाद एक बार वहाँ पहुँचते फिर मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ। भैया हमारी बस है, एक सेकेंड, ये रही बस, ये दिख रही है आपको, ये हमारी बस है, दिस इज़ आर कोच। चलो फिर एक बार पहुंच के बताता हूँ। भाई सीन कुछ ऐसा हो रखा है कि हमने ले लिया अभी लंच, इंडियन रेस्टोरेंट में थे हम, रेस्टोरेंटो पता नहीं कुछ ऐसे नाम था रेस्टोरेंट का। अभी बस उसके मैं अपोजिट ही खड़ा हूँ, और ये देखो ये पीछे का है कुछ व्यू अपना यहाँ पे। वैसे एक चीज़ मैंने नोट किया, गाड़ियाँ काफ़ी फूट से जाती हैं। ठीक है, चलो वो सब छोड़ो, अभी हमने ले लिया लंच, उसके बाद हम चल रहे हैं, अभी पहुँच जाएंगे वेनिस आई थिंक अराउंड 50-55 मिनट्स के आसपास, 1 आवर के आसपास तो लगेगा ही मान के चलो। आफ्टर रीचिंग वेनिस जो भी प्लान रहेगा देखते हैं, जो भी होता है जैसा भी होता है बताते रहेंगे आप।
भाई अभी का सीन कुछ ऐसा हुआ, हम लोग ना रेड लाइट थी तो हम लोग क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। तो आइडली रुकना हमें था और जाना फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स को था, ठीक है। हम इंडियन जैसे हमने क्या किया, चारों ने मतलब फोर फैमिली है फोर की, हम लोग क्या ऐसे ऐसे चल पड़े ऐसे। और वो लिटरली भाई वहाँ से ला रहा था, उसने ब्रेक मारा बंदे ने। तो एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना कि इसके पेडिस्ट्रियंस और इनका फोर व्हीलर्स और ये इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। यहाँ पे हमने कर तो दिया, बाकी सही चीज़ नहीं है वो। अपन इंडिया में तो कर देते हैं कट मारने और ये, बाकी यहाँ पे ये चलता नहीं है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। सीन कुछ ऐसा हो चुका है, अभी हम जाने वाले हैं बोटिंग के लिए, लेक आने मतलब लेक पे पहुँच चुके हैं, अभी हम बोटिंग के लिए जाने वाले हैं। आपको वहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ फिर, काफ़ी ज़्यादा ठंड है वैसे। तो भाई वी हैव रीच्ड वेनिस। वेनिस के नज़ारे अभी हम बोटिंग करके आए हैं, बस अब हम गंडोला में जा रहे हैं। तगड़ी भीड़ है यहाँ पे यार। ये देखो आप लोग, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये देखो एक गंडोला के लिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये वेनिस के सीन है, भीड़ देखो यार। सीन देखो भाई आप, कितना सुंदर जगह है वेनिस, कितनी सुंदर जगह है। सीन देखो आप, और भाई मेरे मुंह से फॉग निकल रहा है। अभी ना हम लोग जो हमारे टूर गाइड थे वो हमें ये सब एक्सप्लेन कर रहे थे। अभी हम जा रहे हैं कंडोला में वापस, तो वापस उसी वे पे जा रहे हैं हम लोग। एक बार पहुँचते कंडोला में फिर आपको दिखाते हैं। सो वी आर इन द गंडोला। भाई पीछे के नज़ारे इतने तगड़े हो रहे हैं ना, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। ये पीछे आप देखो, ये पूरा ब्रिज और ये और गंडोला क्या है, काफ़ी पीछे जितने भी आपको दिख रहे हैं घर भी बने हुए हैं और ये सब बने हुए हैं यहाँ पे। भाई अब नज़ारे देखो, अभी हम लोग जस्ट एक ब्रिज के नीचे से निकल रहे हैं, एक और ब्रिज आ गया। और ये आसपास जो आपको दिख रहे हैं ना, ये घर हैं, ये घर बने हुए हैं असली में, यहाँ पे लोग भी रहते हैं और कुछ के पास तो अपनी प्राइवेट गंडोला भी है। गंडोला काफ़ी काफ़ी अच्छी और स्मूथ राइड है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। इतनी शांति है ना वेनिस में, इतनी ज़्यादा शांति है, मतलब आप वेनिस विज़िट करो और गंडोला राइड मिस कभी मत करना, क्योंकि वेनिस में अगर आपने गंडोला राइड मिस कर दी तो आपको लगेगा मतलब क्या ही घूमे। तो भाई ये है सेंट मार्क्स चर्च, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है और इतना सुंदर है। बाहर से तो ये काफ़ी बड़ा है और अंदर से भी काफ़ी बड़ा है। अंदर मैं रिकॉर्डिंग नहीं करी क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं करने दी अंदर, कैमराज मतलब अलाउड नहीं थे, तो अंदर से तो मैं आपको नहीं दिखा पाया, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। और काफ़ी लंबी लाइन थी इसके अंदर जाने के लिए, हमें 55 मिनट्स वेट करना पड़ा, बट बाकी ये काफ़ी अंदर से अच्छा है और बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो भाई ये इतना सुंदर क्रिसमस ट्री लगा है चर्च के जस्ट पास ही, 15
15-20 फीट का है ये क्रिसमस ट्री। और शाम हो गई है यहाँ पे वेनिस में, और इवनिंग इन वेनिस इतनी सुंदर, और लाइट्स ऑन हो चुकी हैं भाई, इतना सुंदर क्रिसमस ट्री, और ओवरऑल व्यू बहुत सुंदर आ रहा है, बहुत ज़्यादा।